اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب رحلي لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لساني يفقه قولي ما تمامك بہت خشي خوشی मुबारक के बाबरक महीने के पहले दिन में इस्लामी तरीक़े से इस्तकबाल करती हूँ रहमतुल्लाहि व बरकातहू खरीद से आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे आलमीन अल्लाह Al का बहुत बड़ा एहसान है अल्ला रब्लमी ने मुझको और आपको इस बाबरकत वाले रहमतों वाले बरकतों वाले महीने के लिए चुना अल्लाह ने मुझको और आपको सेहत और आफियत अटा की ताकि हम यहाँ पर आ आ सके, बैठ सकें अल्लाह रब्लमी का जो कलाम है उसको सुन सके समझ सके और उससे मिलने वाले जो उसबाक़ है उस पर अमल कर सके। अल्लाहआमी के बाद मुझ पर और आप पर सबसे ज़्यादा जिसका हक़ है जिस हस्ती का सबसे ज़्यादा हक़ है वो कौन है सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ पर और आप पर सबसे ज़्यादा एहसान है कि अल्लाह के नबी ने मुझ तक और आप तक अल्लाह रबालमीन की वहदानियत को पहुँचाने के लिए जो मुश्किल सहे जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की जिन चीज़ों का सामना किया वो हम हम में से किसी के केल में भी ऐसा नहीं है कि वो छुपा हुआ हो हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ें उठाई मुशतक और आप तक इस कुरान के पैगाम को पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्लम की तोहद पहुंचाने के लिए मुशतक और आप तक अपनी ज़िंदगी के मकासद तक मकासद को पहुंचाने के लिए लिहाजा हर पर हक़ है कि हम अल्लाह के नबी सल्लाम पर दुरूद और सलाम भेजें अल्लाहमद वली महम्मद मेरी बहनों जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं हर साल आई ए सी के ऑफिस पर तफसरक़्रन के क्लासेस मुनद किए है जाते हैं इनशाला इस बार भी रहेंगे इनशा अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमको ये पूरे बीस दिन सेहत और आफ़ियत के साथ क़ुरान को समझने की तोफ़ी अता करे यहाँ पर वक्त पर आने और इल्म को दिल की गहराइयों के साथ हासिल करने वाले बना दे आमीन मेरी बहनों याद रखना इस कुरान के बारे में अल्लाह आलमीन ने मुझको आपको क्या कहा यह महीना क़ुरान के लिए ख़ास है इस महीने में तफसीर को लेने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक रखते थे रमज़ान के महीने में उस ताल्लुक को बढ़ा दिया करते थे हमारे सहाबा हमारे असलाफ़ हमारे तमाम आइम्मा, हर एक का यही मामूल था कि रमज़ान का जो महीना आता उसमें अपना ज़्यादातर वक्त क़ुरान के साथ मुंसलिक कर लिया करते थे ज़्यादातर वक्त आम दिनों के मामले में रमज़ान के दिनों में कुरान से ज़्यादा जुड़ जाया करते थे कुरान की तिलावत ज़्यादा किया करते थे कुरान की तिलावत रमज़ान में ज़्यादा करते थे उसको उस पर ग़ौर फिक्र भी ज़्यादा किया करते थे उनका दिन और रात का ज़्यादातर हिस्सा क़ुरान के साथ गुज़रा करता था लिहाजा हम पर भी हक़ है कि हम भी हमारा ज़्यादातर हिस्सा दिन और रात का कुरान के साथ गुजारे सुनने में हो सकता है सुनने में गुजारे समझने में हो सकता है समझने में गुजारे उस पर ग़ौर फिक्र करने में हो सकता है गौरव फिकर करने में गुजारे आम तौर पर हमारे जहनों में ये बात दाखिल हो चुकी है कि अगर रमज़ान है तो कम से कम एक दौरा तो हमको कर लेना चाहिए है ना क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का मामूल हमारे जहनों में है के हर हर नबी में एक कुरान को मुकम्मल किया करते थे जब्राई अमीन आकर एक कुरान कुरा सुनाया करते थे राइट और अपनी मौत से पहले नबी ने कितनी मरतबा कुरान को सुना दो तो मरतबा इस बात को लेकर यह गलत फहमी का हम शिकार है कि चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम एक कुरान पर मुकम्मल करना है चाहे हमको समझ में आए या ना आए उसकी तफसीर हम जानते हो या नहीं जानते हो देखो इस बात को ना समझने की कोशिश करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का एक मुकम्मल दौर किया करते थे तो अल्लाह के नबी इसका तर्जुमा भी जानते थे उसकी तफसीर भी जानते थे इसीलिए जब जन्नत की आयात आती तो खुश हो जाया करते थे जब जहन्नम की आयात आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो लिया करते थे समझा करते थे कुरान की जो रूह है ना उसको समझा करते उसके माने को उसकी तफसीर को उसके अंदर बयान किए जा रहे वाले मौजूद को वो जानते थे इसीलिए उनके लिए आसान था कुरान को पूरा एक पूरा एक दौर कर लेना पूरा एक दौरा उसका कर लेना लेकिन अगर हम कुरान को जानते हैं उसका तर्जुमा जानते हैं उसकी तफसीर जानते हैं उसके मौजूद जानते हैं उसके अंदर बयान किए जाने वाले टॉपिक जानते हैं तो हम भी बिल्कुल एक या तीन तीन दौर भी कर सकते हैं उसकी समझ के साथ बखैर समझे नहीं अगर बगैर समझे अगर हम करेंगे तो होगा क्या आप सिर्फ उसको सवाब की नियत से पढ़ लेंगे लेकिन उसके अंदर हमको हिदायत ही नहीं मिलेगी ठीक है याद रखना तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम कुरान हिदायत की नीयत से पढ़ा करते थे मुझ पर और आप पर भी हक़ हाँ है कि हम भी क्या करें कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ें अब यहाँ पर याद रखना कुरान ये नाजिल होकर साढ़े चौदह सौ साल हो चुके लेकिन इस कुरान के मौजूद ख़त्म नहीं हुए मोजात ख़त्म नहीं हुए उसके सबक ख़त्म नहीं हुए ये कुरान की ये ख़ूबी है कि आप क़ुरान को जितना गौर और फिक्र के साथ पढ़ते जाएंगे चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो एक आयत को अगर आप सौ बार पढ़ेंगे ना सौ बार सौ नतज अलग, अलग 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 आपको मिलेंगे ये क़ुरान का ना मुजजा है मुजजा है कुरान का एक सूर्य को अगर आप सौ बार पढ़ेंगे ना सौ बार उसके अंदर आपको उसके नए सबक मिलेंगे लिहाजा कभी भी यह मत सोचना हमने ये सूर्य को पढ़ लिया सुन लिया समझ लिया अब हमको इसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है नहीं इस कुरान के एक एक लफ्ज को हमारी जिंदगी जितनी अल्लाह ने दिए उसमें जितने बार हो सकता उतने बार हमको गौर फिक्र करने की जरूरत है ठीक है करेंगे हम इनशाला उस पर गौर फिक्र भी करेंगे उसको समझेंगे भी और उससे मिलने वाले जो सबक होंगे इंशाल्लाह उस पर भी अमल करने की पूरी मुकम्मल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मेरी बहनों आज मैंने सोचा है कि मैं उस शुरू सुरे से शुरुआत करूँ जिस सुरे से अल्लाह रबालमी ने कुरान की शुरुआत की है मेरा तो मेरा तो मकसद था कि मैं बकरा की तफसीर आपके दरमियान रखूं, क्योंकि पिछले साल हमने बकरा की तफसीर शुरू कर दी थी और 111 आयत हमने मुकम्मल कर लिए थे मुकम्मल कर लिए थे इंशाल्लाह 111 आयत का जो मकसद है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे वो भी देखेंगे इंशाल्लाह लेकिन उससे पहले क्योंकि ये जो कुरान जिस शुरे से शुरू हो रही है ये शुरा इतना अहम है और इतना ज़्यादा मुझको और आपको पढ़ने का हुक्म दिया गया कि इस पर वाकई बनता है कि हम गौर फिक्र करें कौन से सूरज से शुरुआत होती है सूरत-ul-फातिहा मेरी बहनों अपने दिलों पे हाथ रखकर मुझे बताओ हम दिन में जो पांच वक्त की जो नमाजें पढ़ते हैं ना पांच वक्त की नमाज़ों में हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ना हमारे लिए लाजम कर दिया गया राइट हर रकत के एतबार से आप मुझे बोलिए पूरे जितने हमारे फ़र्ज रकतें होती है पांच नमाजों की उसमें कितनी मरतबा शरतल फातहा पढ़ते हैं जल्दी बोलिए है। फर्ज नमाजों में है? फजर की दो रखा चाहिए जहर की कितनी हो गई असर की चार कितनी हो गई दस बकरब के कितनी हो गई फिर ईशा के कितने हो गए अब आप यहां पर अंदाजा करिए एक ही सुरा है और दिन में सत्रह मरतबा अल्लाह दे रहा है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है और फर्ज नमाज कंपलसरी है ना हम छोड़ नहीं सकते अब अंदाजा करो अल्लाह एक दिन में चाहता है कि मैं और आप सत्रह बार फरफर करें सेवनटीन टाइम्स और अल्लाहमीन का ये उसूल है कि जो चीज अल्लाह मुझको और आपको ज्यादा पढ़ने का हुक्म देता है ना उसको मुझको और आपको ज्यादा समझने का हुक्म देता है क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पढ़ी जाती है ना वो चीज़ मेरे और आपके लिए ज़्यादा अहम होती सेवनटीन टाइम्स उसको आपको गौरव फिक्र करने के लिए एक दिन में हम तो एक साल में एक बार मरतबा यहाँ पर उसको गौर फिक्र करने के लिए बैठ रहे हैं अंदाज़ा करिए कितनी ज़रूरत है ना सूरतलफा अकबर बहुत प्यारा सुरा है बल्कि अहल इल्म ने सुरतुलफाहा को समरी खुलासा कुरान का है पूरे कुरान का खुलासा है ये सूरत फातिहा, जिसको हम दिन में सत्रह मरतबा पढ़ रहे सत्रह मरतबा क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना अगर वो चीज़ें मेरे और आप की ज़िंदगी में आ गई हम मैं और आप कामयाब है और फातिहा में मेरे और आप की दुनिया की जिंदगी और आखिरत की ज़िंदगी दोनों बयान कर दी गई इस कुरान में बयान किए जाने वाला हर मौजू उसकी मौजूदा में बयान कर दिया गया अब याद रख रहे हैं ये सूरतहा कौन सा सुरा है मक्की सुरा सुरा कितने बार हम लोग सुन चुके की तफसीर पक्का मक्की सुरा है ना जी मक्की सुरा और मदनी सुरा के बारे में तो हमको मालूम है ना हाँ किसको बोला जाता है मक्की सुरा जो हिजरत से पहले या मक्के के आतराफ मक्के में या मक्के के आतराफ नाजिल हुआ मदनी सुरा जो हिजरत के बाद हिजरत से उसका ताल्लुक है मक्की और मदनी होने का ठीक है और मक्की सुरों की थीम भी आप लोगों को बोल बोल कर रटा चुकी हूं मैं है ना क्या है बोलिए मक्की सुरों की थीम क्या है किन किन बारे में अल्लाह आलमीन मक्की सुरों में बात करता है सबसे पहली चीज अल्लाह की तौहीद दूसरी चीज नबी वसल्लम की रिसालत की हकानियत अल्लाह के नबी हक है इस बात की दलाइल है मक्की सूरतों में ठीक है आखिरत पर ईमान आखिरत के दिन के बारे में पूरे अहवाल पूरे हाल जो होने वाले हैं ख़्यामत के दिन के बारे में है ठीक है साबिका उम्मे जो गुजरी है ना आदमी सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी अखवाम गुजरी जितनी कौमें गुजरी उन सब का तस्करा किसके अंदर है मक्की सूरतों में याद रखना अल्लाह की तौहीद मोटा मोटा बता रही हूँ मैं आपको ताकि आपके जहन में रहे कि हाँ मक्की सुरु में अल्लाह इनके बारे में बात करता मदरी सुरों में ज़्यादातर इनके बारे में बात करता सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद उसकी कसमें उसकी रूबू भीत उसकी उलू ही है तो उसकी असमाओ सफ़ार ठीक है अल्लाह की तौहीद ज़्यादा बयान की गई मक्की सूरतों में और नबी की रिसालत की सच्चाई ज़्यादा बयान की गई आखिरत के बारे में बहुत ज़्यादा बयान किया गया किस में मक्की सूरतों में और सबका उम्मी मेरा राब के आने वाले अहवाल हर चीज़ किसके अंदर बयान की गई मक्की और मदनी सूरतों की जो थीम है ना उसके अंदर अक्सर ज्यादातर हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकाम और मसाइल बयान करता है दुनिया में मुस्करा आपको करना क्या है डू और डोंट्स बहुत ईजी है ना याद रखने के लिए मक्की और मदनी सूरों की थीम ठीक है अब हम देखते हैं फातिहा की तरफ सूरत फातिहा के कई नाम है अलहम का जो सुरा जिसको हम जानते हैं अक्सर लोग ऐसे जिसका जो उसका नाम भी नहीं जानते फातिहा जब उनके सामने बोला जाता है फातिहा कौन सा सुरा नहीं है मालूम जी हाँ फातिहा देने वाला सुरा बोले तो मालूम है लेकिन अलहम का सुरा बोले तो हम वो नमाजों में पढ़ते अल्लाह के लिए मैं आप सब के सामने एक अल्तजा कर रही हूँ दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप सूरों के नेम्स को याद कीजिए ताकि आपको मालूम हो कि आप किस सुरे का कर रही है किस सुरे की तिलावत कर रही है किस सुरे को आप पढ़ रही है कई ऐसी खवातन है जिसको सुरज के नाम भी नहीं मालूम एक सौ चौदह बस सूरतें एक सौ चौदह सूरतों के हमको नाम याद रखने उससे होगा कि हमको तिलावत में आसानी होगी हमको कुरान खोलेंगे ना तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा किसके बाद क्या क्या है कहाँ है किधर है कौन से पारे में नहीं आपको जब उसका नाम मालूम होगा उसका नंबर मालूम होगा आसानी से आप उसको खोल सकेंगे तो कोशिश करना रमज़ान मेरे और आपके सामने है बहुत सारा वक्त मेरे और आपके सामने है इल्म के लिए हम हमारा अक्सर वक्त इसके अंदर लगाते हैं तो इसके सूरा नंबर और नेम्स भी आप याद कर लें करेंगे ना इन शाह इन शह के कई नाम है ना कई मतलब आपको उसके नाम भी बोले गए बोलिए अब आप लोग बोलिए मुझे उमुल किताब बोला गया क़ुरान बोला गया सब बोला गया और हाँ रुखिया बोला गया शिफा बोला गया कई नाम है एक रे के कई नाम अब नामों से क्या हो गया इसकी अहमियत बढ़ गई ना ठीक है याद रखना उमर बिन खत्ताब और रजी अल्लाह तु जो थे ना उनका रुखिया क्या था मालूम है सिर्फ और सिर्फ सूरतलफ़ातहा उमर बिन ख़त्ताब और रजियल्ल तु जब भी जिसम में कमजोरी महसूस करते जब भी कोई तकलीफ महसूस करते जब भी कोई बीमारी महसूस करते सूरत फ्फाते पढ़ते और दम कर लेते हम सबको मालूम है ना वो मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी को एक सहाबी एक जगह पर एक मुकाम पर गए हुए थे है ना किसी हजबे के तहत वहाँ पर एक बादशाह को बिछू ने डंक मार लिया फिर वो साहबी क्या करते हैं वो दम करते हैं वो वो जो बादशाह होता है उस वहाँ का जो जिम्मेदार है उनको वो कुछ बकरियाँ देता है वो बकरियाँ अब हदीये के तौर पर लेना या नहीं लेना साहबा कन्फ्यूज कन्फ्यूजन मैं शॉर्ट शॉर्ट -शौ जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पिछले साल का थोड़ा याद आ जाए पिछले साल मैंने ये सब चीजें आपके दरमियान रखी थी वो हलाल है या है, 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 हलाल है या हराम अल्लाह के नबी के सामने आते हैं ना आकर बोलते हैं अल्लाह के नबी ये हलाल है है हराम क्योंकि हमने तो सिर्फ फातेहा दंग किया था सात मरतबा सूद को पढ़कर तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि तुझे कैसे पता चला कि ये शिफा है है ना तो हमको मालूम क्या हुआ जहां पर भी हमको जिसम में दर्द और तकलीफ है वहां पर हमको हाथ रख कर क्या करना है सेवन टाइम्स ये हदीस से साबित है ठीक है एक छोटी चीज बोल रही हूं आपको क्योंकि हम अक्सर अपने दर्दों का है ना ये वो परेशानियों का शिकवा शिकायत करते रहते हैं ना तो एक हल मैं आपके दरमियान रख रही हूँ ओके तो एक चीज़ तो मालूम होगी कि, कि शिफा है इससे शिफा हासिल करना है। पढ़ने से शिफा होगी लटकाने से या सुर फातहा को लिख के धोखे पीने से शिफा नहीं होगी ठीक है क्लियर रखना इस चीज़ को सुर फातहा में कितनी आयात है सात आयात है मुकम्मल सात आयात है बिसमीम भी फातिहा का हिस्सा है पिछले साल हमने इस्तेआज़ा और बसमला को बहुत डेप्थ में देखा था बहुत डीप में हम गए थे अब मैं इस बार डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि वो इल्म हमने हासिल कर लिया है अगर याद दिखानी चाहते हो तो जाओ यूट्यूब पर और फिर क्या करो उसका रिविज़न कर लो उसको देख लो क्योंकि स्टार्टिंग के पार्ट फाइव तक पिछले साल के हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद है उसके बाद के हमारे वीडियोज़ पूरे चले गए ठीक है जो है उससे फायदा उठा लीजिए अगर आप चाहती हो कि पिछले साल का रिविजन हो जाए तो बिसमन रहीम क्या है फातिहा की आयत है, उसका जुज है ओके और सिवाय सूर तोबा के बाकी के जितने 113 जो सूरतें हैं उन सब को पढ़ने से पहले सूरतलफा फातिहा, फातिहा के साथ साथ रहीम पढ़ना जरूरी है लाजिम है ठीक है हमने पिछले साल बहुत में देखा था इस और बसम को उसकी क्यों पढ़ना है उसकी अहमियत क्या है क्यों अल्लाह रब्लम सिखाता है ठीक है और ज़रूरत क्या है ये सब चीज़ें हमने देखी थी तो आइए सीधा डायरेक्ट आयात की तरफ आइए क्योंकि इन इस साल इस साल के जो 20 दिन हमारे पास है इसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बकरा मुकम्मल कर लें इनशाला इनशाला अब आइए सूरतफ़ातहा की तरफ क्या कहते हैं अल्लाह रब्लम بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک ہے قران شروع کرنے سے پہلے ہم کو پڑھنا کیا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاکہ شیطان اگر بچی کچھ حالت میں بھی اگر کہیں نہ کہیں دل کے خیالات میں بھی ہے دماغ کی سوچوں میں بھی ہے تو وہاں سے بھی کیا ہو جائے چلا جائے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنا چاہتے ہیں ہم کس کی اللہ رب العالمین کی کس سے اس شیطان اور سے بسم الله الرحمن الرحیم. शुरू हर चीज किसके नाम से अल्लाह आलमीन के नाम से, ना। से. ताकि जो चीज़ हम शुरू कर रहे हैं उसको पढ़ने में उसको समझने में उसको सीखने में अल्लाह की मदद हमारे साथ रहे और हम उस काम को आसानी से कर ले इसीलिए हर काम की शुरुआत हमको किससे करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आलमीन की तरफ ये इतनी प्यारी और पावरफुल आयत है अल्लाह अकबर आपने कभी सोचा है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान की शुरुआत जो कर रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहा ना अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम तारीफात किसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यानी बंदे का दिल जब अल्लाह की शुक्रगुजारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ पर आ जाए ना अब उसके बाद उसको अल्लाह मिलना मिलना है अब उसके बाद उसके उसकी उसकी दुनिया और आखिर सवरना सवरना है और यहाँ पर इल्म ये भी कहते हैं कि कुरान मुझको और आपको ये दावत देता है कि तुम दुनिया में सबसे पहले अगर किसी चीज़ को तरजीह देंगे तरजीह देने का तुम तो पर हक़ हाँ है तो वो रबुल आलमीन का है इसीलिए अल्लाह ने क्या किया से कुरान की शुरुआत की अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी के मखादिद बताकर शुरू कर सकता था अगर अल्लाह चाहता तो तुमको जन्नत और जहन्नम के बारे में बोलकर शुरू कर सकता था लेकिन अल्लाह ने क्या किया पहले तुमको सिखाया कि तुम पर फर्ज है है तुम पर है कि तुम पर लाजिम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान बयान करो उसकी बयान करो उसकी तारीफ उसको उसको याद रखो उसको भूलो मत अगर उसको भूल जाओगे तो फिर फायदा नहीं होगा ये दुनिया की जो जिंदगी रहे वो तो गुसर जाएगी लेकिन ना दुनिया में अल्लाह रहेगा ना आखिरत में मेरे और आपके साथ अल्लाह बाकी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर गौर करो हर चीज जिस हाल में है जैसी है मेरे रब ने मेरे लिए जैसे रखा है वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह और जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है ना जितना उसके ऊपर प्रेशर होता है ना वो सब प्रेशर वो किसके हवाले कर देता बीमारी मेरी अल्लाह के हवाले मेरा दर्द मेरी तकलीफ मेरी मुसीबतें मेरी परेशानियाँ मेरे पूरे मसाइल किसके हवाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब सब उसके हवाले

ठीक है हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाने वाला पूरे आलमीन आलम नहीं मेरे राब की नहीं इस दुनिया में और इस दुनिया की तरह अल्लाह ने जितने आलमीन बनाए जितने आलम बनाए जिसको हम जानते हैं जिसको हम नहीं जानते उन सब का रब है उन सबको पालने वाल। उन सब उन वाला उन सब की ज़रूरत जिंदगी मुकम्मल करना उन सबके दिल के अहवाल जानने वाला उन की जर्र जर्रा जरूरत को जानने वाला रब रबालमीन आलमीन अल्लाह अकबर अल्लाह यहां पर ये लफ्ज कह कर ना मुझको और आपको इस बात का एहसास दिला रहा है कि बंदा अब जो तेरा रब है ना जिसके लिए तू तारीफ बयान किया ना अब उसकी हद में सब कुछ है जो आलमीन का रब है ना जो तू मांगना चाहता है ना जो तेरे दिल की ख्वाहिश है ना जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना हर चीज पर खादिर है वो रब देने पर लिहाजा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी से मांगने की जरूरत नहीं है किसी के सामने पुकारने की जरूरत नहीं है जिसकी तू तारीफ करा ना वो सब तुझे दे देगा तुझेगा हाँ अंदाजा करो कितना तर्जुमा है ना इसका कितना इसके तफसर के अंदर अगर जाते हैं ना ये एक आयत पूरा रमजान हम उसका तर्जुमा कर सकते पूरी तफसीर कर सकते पर जिन्नात को उनकी जरूरत है जिंदगी पूरा अता कर रहा है इंसानों मैं और आप है, मेरी और आपकी पूरी जिंदगी में सांस मेरी और आपकी ज़रूरत है दे रहा है अल्लाह रब्बुल लमी हर चीज़ अता कर रहे है अल्लाह अकबर इसीलिए मुझको और आप मुझे हर चीज़ देने वाला जो रब है ना उसकी मुझको और आपको तारीफ करनी है तारीफ बंदा कब करता मुझे बताओ जब उस पर कोई एहसान करे जब उसको मोहब्बत हो ठीक है जब उससे उम्मीद हो तारीफ जो की जाती है ना चार चीज़ों की बुनियाद पर की जाती है याद रखना या तो एहसान हो या तो मोहब्बत हो या तो उससे उम्मीद हो या तो उससे डर हो अब सामने अगर कोई है अगर उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो वो हमको कहीं ना कहीं भटक सकता तो क्या करते दिल नहीं बोल रहा तो भी क्या करते तारीफ कर देते सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए उससे डर रहे तब भी तारीफ कर देते तो चार ये चार चीजें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चार चीजों पर भी खातिर है अल्लाह का एहसान है नहीं है हम पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह यहाँ पर हमको आने बैठने सुनने और समझने के अल्लाह ने ताकत अथा की वरना कई ऐसे लोग हैं जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं ना चल सकते हैं ना फिर सकते बस जिंदा लाश की तरह दुनिया में जिंदगी गुज़ार रहे हैं अल्हदल अल्लाह ने मुझको और आपको सही और सलामच रखा अल्हदल्ला एक आयत अल्हमदबीन उसका एहसान है हम पर उससे उम्मीदें लगाते ना हम हमारी हर चीज की जो ख्वाहिश होती है उसका पूरी करने की उम्मीद किस पर लगाते हैं हम मोहब्बत किससे करते हैं हम इसीलिए तो हम उठते हैं सहर करते हैं अल्लाह रब्बुल रबालमिन के लिए रोज़ा रखते हैं अल्लाह के सामने वजू करके ठहरते हैं ताकि अल्लाह रबालमिन से जो मोहब्बत उसको जाहिर किया जाए ना है ना उसे डर भी है ना अल्लाह रब्लम से अगर हम उसको छोड़ देंगे तो कहीं वो हमको ना छोड़ दे अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितनी तफसीर इसकी की जाए उतनी कम है दूसरी इसकी जो आयत है क्या है अर अर रहमान रहीम और रमानी रहीम को अगर लेंगे तो तीसरी आयत रहमान रहीम क्या है बोलिए मुझे रहमान और रहीम के माने आप लोग बोलना हर चीज़ पर रहम करने वाला हर चीज़ अता करने वाला हर किसी को हर एक को की जो रहमान वाली सिफत है ना वो सब के लिए है जो उसको मानता है जो उसको नहीं मानता जो उसकी फरमाबरदारी करता है जो उसकी फरमाबरदारी नहीं करता हर एक को अल्लाह ताला क्या करेगा दे देगा जो मांगेगा दुनिया में दे देगा रहमान वाली सिफत में आज देखो मुश्रिक को भी दे रहा काफिर को भी दे रहा मुनाफिक को भी दे रहा उनकी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी कर रहा तो ये सब चीजें में शामिल है अल्लाह की रहमान वाली सिफत में अब रहीम ये खास सिफत है अपने बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते ना अल्लाह ने जो रास्ता दिया उस रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारते ना उनके लिए ही कल आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम मिलेगा अल्लाह हम सबको उनमें शामिल कर दे आमीन। आमीन। मालिक यौमिद्दीन अब यहां पर देखो ये दो आयात में हीद बयान की गई तोहीद आगे पहली चीज़ जिंदगी में जो आनी है वो तोहीद आनी है इसीलिए सिर्फ आतेद सिखाई गई उसके बाद क्या सिखाया गया अल्लाह कौन है आखिरत के दिन का मालिक है, ख़ियामत के दिन का मालिक है यौमिद्दीन किसको बोला गया दिन किसको बोलते हैं जी यौमिद्दीन बदले का दिन का मालिक बदला अल्फाज पर अगर गौर करेंगे ना चीज का बदला दुनिया का बदला आखिरत हर चीज का बदला पहली चीज तौहीद तो सिखाई गई दूसरी चीज आखिरत सिखाई गई हमको हमारी जिंदगी में पहले तोहिद है, उसके बाद क्या सीखना है सीखना है। समझ में जो जिंदगी में मुझको राजुआत को, को पहले तरजीह देना है ना वूरत आलमीन स्टेप स्टेप बताया जा रहा आखिरत के दिन को याद रख के ज़िंदगी गुजारो अगर जिंदगी में अल्लाह है तो आखिरत होगी अल्लाह की तोहद है तो बदले का दिन होगा और जब बदले का दिन होगा तो दुनिया में इंसान मनमानी जिंदगी नहीं गुजारेगा जैसे चाहे वैसे जिंदगी नहीं गुजारेगा जो चाहे वो नहीं करेगा जैसे अल्लाह चाहता है वैसे वो जिंदगी गुजारेगा मैं लिखी ओम तीन कबीन क्या है जी माने बोलो हम तेरी ही इबादत करते हैं और आ गई आखिरत आ गई अब यहां पर अहकाम और मसाइल आ गए कैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं इबादत क्या है नमाज रोजा जक़ात हज ये तो है ही और तमाम मामलात जो मेरी और आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक है हम तेरी ही इबादत करते जो पैदाइश से लेकर मौत तक की जो जिंदगी में करने वाले जो काम है ना वो पूरे के पूरे अल्लाह तेरी ही तेरे बस तेरे मुताबिक अपने मुताबिक नहीं हम वादा कर रहे हैं अल्लाह से और हमारे जिंदगी के जो मामलाते हैं ना उसको देखकर ऐसा लगता है कि हम हमारे वादे में झूठे हम समझते हैं इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा जक़ात हज बस नहीं बाकी के जो मामला थे वो अगर आपका उठना बैठना चलना फिरना बात करना आपकी तुमां तुमां आपके तमाम की तमाम रिश्तेदारियां आपके ताल्लुक आपका हर मामला आपकी तजारत है हर चीज अगर अल्लाह रबी ने जो तरीका बतलाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अगर उस तरीके पर होगा तो वह काम भी क्या होगा हमारे लिए इबादत उस काम को करने पर भी मुझको मुझको आपको हज़र दिया जाएगा अगर हम अल्लाह के नबी के तरीके पर सोते हैं तो वो भी इबादत है खाते हैं तो वो भी इबादत है उस पर सही नबी के तरीके पर खाने पर भी अजर है सोने पर भी अजर है बात करने पर भी अजर है अब अब क्या हमारी जिंदगी के जो मामिलत थे इस आयत के मुताबिक है या कना अब के मुताबिक है सत्रह बार दिन में अल्लाह से वादा कर रहे अल्लाह मैं अपनी जिंदगी तेरी इबादत के मुताबिक ही गुजारूंगी लेकिन अगर नहीं गुजारी तो फिर हमारे दावे में हम छूटे अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करूंगी तू ते, तेरे अलावा किसी के तरीके को फॉलो नहीं करूंगी और तुझसे ही मदद मांगूंगी अब यहां पर देखो इकराम क्या कहते हैं कि अल्लाह ने इबादत को किससे जोड़ दिया तेरी ही इबादत करूंगी और तुझसे ही मदद मांगूंगी अल्लाह की मदद के बगैर अल्लाह की इबादत हम नहीं कर सकते इसीलिए अल्लाह ने इबादत को क्या किया अल्लाह की मदद के साथ जोड़ दिया कितना बड़ा पहलू है इसके अंदर गौर करिए अल्लाह की अगर मदद नहीं होगी तो हम क्या अपनी जिंदगी अल्लाह के मदद में गुजार सकेंगे उसके सामने ठहर सकेंगे उसके सामने सजदा कर सकेंगे उसके सामने रुकू कर सकेंगे उसकी किताब को पढ़ने की तौफीक मिल सकेगी कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह की मदद के बगैर हिल नहीं सकते मैं और आप हम हमारे आंख का जो बाल है ना उसको हरकत तक नहीं दे सकते हम अल्लाह की मदद के बखिर इसीलिए यहां पर सिखाया गया तरीका सिखाया गया कि तुमको अपनी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताबिक जो इबादत करनी है ना अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के मुताबिक गुजारनी है ना अल्लाह की मदद को साथ लेकर गुजारो अल्लाह की मदद के साथ जिंदगी में चाहे छोटा सा छोटा काम क्यों नहीं होता पहले अल्लाह से मदद लो फिर नबी के तरीके पर आ जाओ फिर आप कामयाब हो जाओगे बड़ा से बड़ा काम क्यों नहीं होता पहले अल्लाह की मदद उसके बाद फिर नबी का तरीका और फिर क्या होगा फिर वो आपके वो काम में सहल होगी वो काम में आपके लिए आसानी होगी वो काम में आपको कामयाबी मिलेगी बहुत बड़ा पहलू है जितने बार आप गौर करेंगे कुरान के आयत पर उतने बार अलग 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 नुकात पिछले बार ये नुकात नहीं थे अब इस बार ये नुकात आए उससे पहले जो थे वो पिछले साल के नुका नुकात से बहुत अलग थे जितने बार आप गौर फिक्र करेंगे अल्लाह आलमीन उतने बार आपके लिए उसके खजाने जो है ना उसको समझ वो आपको अता करता चला जाएगा या कना अबुदा या कना अल्लाह हम तेरी इबादत करते और तुझसे ही मदद मांगते हैं